हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। और ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं अब उठ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं वंश को उठा रही हूँ बहुत उससे कि उठ जाओ। और ये उठा हुआ है बट ऐसे ही लेटा हुआ है, इसका मन नहीं कर रहा उठने का। तो इसको नहाना भी है, इसको स्कूल भी जाना है, तो मैंने कहा ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा इसकी कई दिन से ना मैं ऑयलिंग नहीं कर पा रही हूँ, हेयर में रह जा रही है, तो वही मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। और मैंने कहा उसके बाद 10-15 मिनट के बाद नहा लेगा। उठना नहीं है ना, ऐसे ही रहना है। इन लोगों को कब से उठा रही हूँ मैं, कब से उठा रही हूँ, बट उठने का नाम नहीं है कोई। मैंने बोल दिया नाश्ता वगैरह रेडी है, बस नहीं उठना, नहीं उठना, और टाइम भी ज़्यादा हो गया। उठो, और पीहू तो बिल्कुल गुड गर्ल है, ये तो उठ गई, बट ये गिन्नी अच्छी बच्ची नहीं है, सुनती ही नहीं है। वो जब से उठा रही है, दीदी उठ जाइए, उठ जाओ, उठ जाओ। हाँ कह रही दीदी, पीहू कह रही है दीदी उठ जाओ उठ जाओ, दीदी उठने का नाम ही नहीं ले रही है। उठ जाओ गिन्नी, कितने उससे वो उठा रही है कि चलो साथ में नाश्ता करेंगे ब्रश करके, पर आप उठने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हो, इतने ढीठ बंदे हो आप तो। के लिए उठ जाओ। क्या नहाया नहीं अभी तक आपने? पीयू ने तो वॉश नहा लिया है और ये फ्रेश हो गई है। वंश वंश तो आ गया है स्कूल से, एंड बताओ तो क्यों आया? हाफ डे पे आ गया वंश, क्योंकि इसके कान में दर्द हो रहा था, इसलिए ये हाफ डे पे आ गया। कॉल आ गया था मैम का, इसका टीचर का, तो फिर इसलिए आ गया। और अभी दवाई दी है तो अब काफी रिलैक्स है। एंड ये देखो कब ये अभी नहाएगी, और आज गेहूं डालना है मुझे, और आज मुझे गेहूं डालना है। पानी भर गया, एंड मैंने छत धो दी है। मैंने मॉर्निंग में ही छत वॉश कर दी थी कि ये साफ रहेगा, तो यहाँ मुझे गेहूँ डालना है। इसलिए धूप तो ठीक ठाक ही निकली है, देखो आज तो नहीं सूख पाएगा क्योंकि तेज धूप नहीं निकली है। ये मैंने गोभी आलू की सब्जी बनाई है, तो ये जब तक होती है बर्तन मुझे वॉश करने हैं, ये पड़े हैं नाश्ता के, एंड मैंने ऊपर गेहूँ भी मतलब वॉश कर लिया है, और आज धूप भी अच्छी नहीं निकली। देखिए ये दोनों बच्चों को छोड़ रखा है कि देखेंगे थोड़ा गेहूं को, और ये गेहूं डाल रखा है यहाँ पर, तो देखो सूख जाता है तो अच्छा है, धूप तो अच्छी निकली नहीं है। मेरा तो यही रहता है, जिस दिन मैं गेहूं धोऊं उस दिन धूप निकलती नहीं है ना बच्चों? हाँ तो वही है। ये बाल्टियाँ वॉश करी, एक कबूतर का पानी हमने रख रखा है, बर्ड्स वगैरह कोई भी, एंड यहाँ पर थोड़े से गेहूँ है, ये हमने रख रखे हैं उसके लिए कि कबूतर आए या कोई भी आए तो खा ले इसे, बर्ड्स वगैरह। और इधर ये भी है, और इनको देखो यहाँ पर ये कर रहे हैं। नीचे गिर जाओगे पहले पीछे हो जाओ, और हमारी छत से ऐसा नज़र आता है व्यू। बर्तनों को वॉश करते हैं जब तक ये गेहूँ सूखते हैं। ये बोरी भी मैंने वॉश करने के लिए वॉश करके रख दी है, क्योंकि फिर दोबारा इसी में हमें भरना है, रीयूज हो जाएगी ये तो। और ये मम्मा ने मेरी हेल्प करी है गेहूँ डालने में। यार कितना भी कुछ कर ले हम लोग, कितना भी हम बड़े हो जाए ना, पर जो मम्मी मतलब करती है वो हमसे नहीं हो पाता है, तो वही है। और मम्मी ने बहुत अच्छे से गेहूँ डाला है और बहुत पतला लेयर दिया जिससे कि सूख जाएगा, तो मेरे को कुछ सीखने को मिला मम्मी से, नहीं तो मैं तो बहुत मोटा डालती थी और
मम्मी ने तो बहुत अच्छे से डाल के गई है, मैं नीचे थी सब्जी छौंक रही थी तो वही है, और बहुत अच्छा डाला यार, सूख जाएगा। बहुत मेहनत लगती है यार गेहूं को वॉश करने में, सुखाने में, 2-3 दिन तो इसी में लग जाते हैं। फिर जाके कहीं हमारा चक्की के पास जाता है, पिसता है, फिर आता है, फिर हम उसे खाते हैं, तो ये चीज़ है। तो चलिए मैं बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। और ये आज हमारे सूरज जी धोखा दे रहे हैं हमें भी, हमें हमेशा मुझे धोखा ही मिलता है इनसे, तो हमेशा मुझे धोखा ही देते हैं। जिस दिन मैं कपड़े डालूँ उस दिन भी ये ऐसे ही करते हैं, जिस दिन मैं गेहूँ डालूँ उस दिन भी ये ऐसे ही करते हैं ना गिन्नी। पता नहीं मेरे को ही लाइफ में क्यों इतना धोखा मिलता है लाइफ में कभी कभार तो भैया ऐसे ही है, यही रहना, थोड़ा गेहूँ देखना, नहीं तो पता है कबूतर आ जाते हैं और इसमें ना फिर सूसू पोटी कर देते हैं, बहुत गंदा लगता है। फिर इतनी मेहनत से वॉश करा है फिर सारा ख़राब हो जाता है, बल्कि उनके लिए हम अलग से दाना निकाल देते हैं। जैसे आप देख ही रहे इधर है, 3 जगह हमने डाल रखे हैं कि ये रहा ये रहा ये रहा, इधर भी रख रखा है हमने। पर वही है ना कि उन्हें वही खाना है। और ये देखिए कबूतरों का झुंड, ये लोग खेल रहे हैं, ये कबूतर वगैरह भी ना खेल रहे हैं। अभी देखिए उधर गए ना और दोबारा से यहीं आएंगे वापस, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए अभी फिर से आएंगे, ये गोल गोल राउंड लगा रहे हैं। तो ये भी खेलते हैं भाई, जैसे आप बच्चे सब खेलते हो ना ऐसे ये भी खेलते हैं। इसको यहीं बैठा रखा था, यहीं स्टडी कर रहा है, तो यहाँ से ये देख रहा है मम्मा जी इसको गेहूं को। तो अब मैं आधे सूख गए, अब इसको चला देती हूँ मैं। देखियो ये वीडियो बना रही है बदतमीज, तुझे मैं कुछ दिखा रही हूँ। अरे यहाँ पर ये बंकू आया है और रात के बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, 11 से ऊपर का टाइम हो रहा है और ये लोग देख रहे शूट कर रहे हैं, ये लोग ना सो रहे ना सोने दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है इन लोगों ने। इससे आपको पता चल रहा होगा मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि अभी तुम्हारी एक वीडियो देख के एकदम एक्टिव हो गई है, समझ में आई तुझे? हाँ, इन लोगों ने अभी एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, देख के उसे एनर्जी सी आ गई है। आज किसी को चिढ़ाना होगा तब डाल सकते हैं। तो सोना नहीं है तुम लोगों को, देख आजकल सबको पता है चिढ़ाना होगा। ये कैमरा मैन बना है, ये देखिए मैं पॉटी कर रहा हूं, ऐसे बैठे एक पैर ये ऐसे, अरे नहीं जैसे लग के बैठे ना वैसे ही बैठो ऐसे। हाँ सही कह रही है, सही कह रहा है, हाँ हाँ सही कह रहा है ये। नहीं देर नाइट तक काफ़ी इन लोगों ने वीडियो शूट करी और यही होता है ना इसमें यार, मेहनत बहुत लगती है और इतनी वीडियो शूट करने के बाद उसमें से एक आधी सिलेक्ट होती है, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर मैंने कल गेहूँ सुखाए थे तो आधे सूखे आधे नहीं, तो आज मैं इसे और सुखा दूँगी तो ये मेरा हो जाएगा गेहूँ रेडी। और आपने मैंने ऐसे ही इस पर चद्दर डाल के रखी थी और ये सब, तो उसमें से देखिए कबूतर तिल्ली झाड़ के तिल्ली ले गए, ऐसे ही होता है कबूतरों में तो जान ले लिया बस रख देते हैं। और मैंने कबूतरों के लिए दाना निकाल के भी रखा है इधर, ये देखिए इधर कोने पे, उसमें एक अड़ूल का फूल आया था सूख गया क्योंकि तोड़ा नहीं ना हमने, इसको तोड़ देते सूख गया। तो ये ऐसे ये नींबू का पेड़ है, नींबू का ना वो है, ये फ्लावर सॉरी फ्लावर का लगाया इसके पापा ने, देखो का फ्लावर देता है ये। तो चलिए काम करती हूँ मैं।